हेलो एंड वेलकम टू फिल्म पोस्टमार्टम। और आज फिल्म जो हम देख के आए हैं अनारकली ऑफ आरा। सारा का सट्टा है, थाना में वो प्रोग्राम देना है। बेटा पहले काम फिर डांस। इसके डायरेक्टर है अविनाश दास, जो कि जिन्होंने लिखा भी है। और ये कहा गया है कि ये सच्ची घटना पर आधारित है, ऐसा कुछ हुआ था इंसिडेंट। पर क्या लगता है तुमको कि ये फिल्म तुम्हें कैसी लगी? मुझे अच्छी लगी, मतलब ओरिजिनल कहानी है तो उस हिसाब से अच्छी लगी। और एक चीज ये लगा कि किसी भी तबके में कोई भी लड़की हो जो कि एक नाचने वाली है, या बहुत ही फोक सॉन्ग बोला जा रहा है लेकिन वहां का फोक कैसा होता है, डबल मीनिंग वाला, लेकिन उसको कोई भी आए और वो सब लोगों के सामने उसकी बेइज्जती करे और उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप वो करना चाहे, जिसको लेकर बाउंस बैक था, वो जो मेन मोटो था वो मुझे सही लगा। मुझे भी फिल्म की जो कहानी है वो ठीक लगी, अच्छी लगी। एक आरा जैसे छोटे शहर में एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप है जो कि जिसमें लड़कियां नाचती हैं और गाना गाती हैं, जबकि आपको पता है भोजपुरी फिल्मों में किस तरह के गाने होते हैं, डबल मीनिंग, उस तरह के गानों पे वो नाचती हैं। और उससे वहाँ के बड़े तबके के लोग, जो बड़े अमीर लोग हैं, वो लोग चाहते हैं उसको अपनी रखेल बनाना या उससे कुछ और फायदा उठाना चाहते हैं, तो उसको उसने अपोज किया और किस तरह से वो उस चीज से निकली है। तो दैट्स द स्टोरी बेसिकली। सबको लगता है हम गाने वाले लोग हैं तो कोई आसानी से बजा भी देगा, पर अब ऐसा नहीं होगा। बाकी कास्टिंग वाइज मुझे अगर मैं कहूँ तो स्वरा भास्कर, पंकज त्रिपाठी, इश्तियाक एंड अपने संजय मिश्रा, ये सब लोग ने बहुत अपना लेवल बेस्ट देने की कोशिश की, अच्छा भी किया गया। लेकिन मुझे कई कई जगह मुझे ऐसा लगा कि स्वरा को जानबूझ के हीरोइन बनाया जा रहा है, अनारकली ऑफ आरा चूंकि नाम है इसलिए उसको, इसलिए बहुत ज्यादा मतलब हैमरिंग ऑफ स्वरा भास्कर था, जबकि पंकज और इश्तियाक वाला जो रोल था वो आके एक ब्रीद, एक यूनिकनेस देते थे। और उस, लेकिन उसका एड्रप्ट कट मिल गया, उनको गायब हो गया अचानक से, ऐसा लगा कि एडिटिंग में उड़ा दिया। खास करके इश्तियाक भाई का जो रोल था वो एक बहुत ही उम्दा रोल था। हाँ। और वो मुझे ऐसा लगता था कि वो और उसमें या तो उन्होंने शूट किया हो और एडिट के वक्त उन्होंने उड़ा दिया हो, क्योंकि स्कोप बहुत था ये दोनों के साथ। ये दोनों पंकज कभी को लास्ट में जो वहां पर मिलते हैं वो क्यों मिलते हैं, हाँ। क्या था उसके साथ, वो लड़की का क्या चल रहा है, और एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि वो उसके साथ वो फिजिकल भी हुई है, प्यार था वो, और अचानक से एड्रप्टली गायब हो जाता है। और दूसरी बात, एक चीज में संजय मिश्रा इसमें मुझे समझ में नहीं आया, एक वीसी है और पावरफुल है लेकिन कैरेक्टर अजीब सा है, मतलब वो मुझे थोड़ी मिसकास्ट लगी संजय मिश्रा की। हाँ, मुझे भी वही लगा। तो थोड़ी सी कास्टिंग को लेके हम लोगों को इश्यूज थे कि एक संजय मिश्रा, इश्तियाक भाई और पंकज त्रिपाठी, इन लोगों को अच्छे तरीके से नहीं यूज किया गया, जो मुझे ऐसा लगा उसमें। कढ़ाई आपका है, तेल आपका है, अब उसमें पूरी छानिए कि हलवा बनाइए आप। जो सबसे बुरी लगी मुझे कि इसका जो फिल्म का जो एंड था वो बड़ा बचकाना सा हो गया, बहुत ही बचकाना सा। वो मतलब कोशिश की गई है कि जानबूझ के कि इसको एक आर्ट और ओपन रखा जाए ऑडियंस के लिए, लेकिन नहीं, वैसा नहीं, क्योंकि आपने पूरी फिल्म एक हिसाब से ग्रेजुअली दिखाया, मीनिंगफुल रिलेशनशिप कैसे कैसे धीमे धीमे बिल्डअप हो रहा, और अचानक में लास्ट में आप एकदम एक छोटे से इंसिडेंट से आपने फिल्म को एंड कर दिया, जिसमें पूरी तरह से एंड नहीं मिलता है मुझे। इस फिल्म में मुझे लगता है अपने आप फिल्म का या उस किरदार का, अनारकली का लास्ट एकदम डेफिनेट लास्ट मुझे नहीं दिखा। पंकज त्रिपाठी बीच में गायब हो गए, उनका लास्ट नहीं दिखा, इश्तियाक का भी लास्ट नहीं दिखा, किसी भी चीज का लास्ट नहीं दिखा, जबकि इन सब लोगों ने कमाल की परफॉर्मेंस की थी। हाँ। तो उस हिसाब से, और बीच में कहानी का फर्स्ट हाफ में भी अगर मैं बोलूं, कई जगह आप थोड़ा सा मतलब सीट में पीछे आराम से बैठ सकते, ऐसा टाइप का थोड़ा सा ड्रैग हो रहा था। सो कहीं कहीं थोड़ी बहुत कमजोरियां हैं, पर सबसे अच्छी बात है कि फिल्म जो ओवरऑल फिल्म थी वो ठीक लगी हमें, और इस फिल्म को और भी ऑडियंस मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। हाँ, एक अच्छा प्रयास था, टेकिंग पैटर्न बहुत अच्छा था और रियलिस्टिक जोनर में पकड़ के रखने की कोशिश की गई थी, वो अच्छा था। कुछ कुछ जगह स्क्रीन प्ले में या कुछ एक चीजों में गूफ अप्स थे कि बिहार पुलिस अचानक वहां पहुंच जाती है कॉस्ट्यूम में। हाँ, वो थोड़े से फिल्मी लिबर्टी ली है इन लोगों ने और उसको फिल्मी तरीके से खत्म करने की कोशिश की है। मुझे ऐसा लगा कि फिल्म स्टार्ट होके अचानक दौड़ने लगी और खत्म हो गई। सो ये फिल्म का जो होता, म्यूजिक मुझे कई कई जगह बहुत अच्छा लगा, अभी भी मेरे जहन में वो म्यूजिक चल रहा है कि हाँ, जरा घिसला तनिक रगड़ला ए दरोगा दुनलिया में जंग लागा हो। एज अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर अविनाश दास, मुझे लगता है कि
थम्स अप। आशा करता हूँ ये फिल्म अच्छी चले और लोग इसको सपोर्ट करें। गुड गुड एफर्ट, पहले टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा एफर्ट रहा। अपार्ट फ्रॉम दिस फिल्म, इस फिल्म के बारे में मुझे अच्छी लगी थी फुल फिल्म देख के, पर एक बात का कोफ्त हुआ आज फिल्म देखते हुए कि इस तरह की जो छोटी फिल्में हैं, जो जिस तरह से कॉन्सेप्ट ड्रिवन फिल्में हैं, उनको ऑडियंस नहीं मिल रही है, उनको थिएटर नहीं मिलता। हम भी आज थिएटर में देखने गए तो पब्लिसिटी नहीं होने के कारण, और उनको शोज भी नहीं मिलते हैं, और हाँ। लोग प्रॉपरली अगर कॉर्पोरेट उनको पब्लिसाइज नहीं करते हैं, मतलब ऐसा लगता है ये तो छोटी फिल्म है, चलो इसको किसी तरह निकाल दो, वैसा नहीं। इनको यहाँ तक ये हो कि लोगों तक एक एफर्ट की कमी लगती है मुझे कहीं ना कहीं से, मुझे ऐसा लगता है या तो कॉर्पोरेट की तरफ से या प्रोड्यूसर्स की तरफ से, जिधर भी कि एफर्ट कम थी या पैसे की कमी थी, आई डोंट नो व्हाट, बट ये फिल्म को और भी ऑडियंस मिलनी चाहिए थी। पूरा थिएटर खाली था, हम कुछ 10 लोग बैठ के फिल्म देख रहे थे, इसलिए नहीं कि क्योंकि फिल्म खराब थी, इसलिए कि लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी एक फिल्म रिलीज। और दूसरी बात ये कि जैसे हम लोग टिकट खरीदने की बात कर रहे थे, शोज ही नहीं है, हाँ। पता नहीं कहां अलग अलग जगह पर शोज लगे, जो प्रॉपर शोज होने चाहिए सबको, आप इक्वली डिवाइड करिए, वैसा मोनोपोली टाइप की जो चीज है वो सामने दिखती है, वो थोड़ी सी हमें तकलीफ दे रही थी। सो होप आगे हम आगे कुछ हो सके छोटी फिल्मों का। सो इसकी इसी आशा के साथ हम ये खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिल्मी पोस्टमार्टम। हम हर हफ्ते एक फिल्म, एक अच्छी फिल्म और एक बुरी फिल्म या फिल्म का रिव्यू लेके आते हैं आपके पास। सो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो, शेयर, कमेंट और लाइक।